हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रवीण। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और साथ में हमने अलग अलग टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फाइंड आउट किया, एंड हमने साथ में ये भी जाना कि किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन, एंड दिस एप्लीकेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दोस्तों, अगर हमको करेक्टनेस चेक करना है किसी भी फिजिकल इक्वेशन का, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बिकॉज ये एप्लीकेशन इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैग्नीट्यूड्स ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज मे बी एडेड टूगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे have same dimensions. क्या बच्चों, according to this law, the magnitudes of physical quantities may be added together or subtracted from one another only if they have the same dimensions. इसका मतलब है कि हम दो या दो से ज़्यादा physical quantities को या दो से ज़्यादा physical quantities के magnitude को तभी add कर सकते हैं या उनको एक दूसरे से subtract कर सकते हैं अगर सारे physical quantities का dimension same हो तो। अदरवाइज हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। या बच्चों, हम सेम प्रिंसिपल को इस तरीके से बोल सकते हैं, ए फिजिकल इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट इफ डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑकरिंग ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज सेम। कहने का मतलब, अगर कोई भी हमको फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो वो फिजिकल इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट तब बोला जाएगा जब किसी भी फिजिकल इक्वेशन के दोनों साइड में जितने भी टर्म्स प्रेजेंट होंगे उन सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा। फॉर एग्जांपल बच्चों, आप जानते हो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन। दिस इज फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को ट्रू तभी माना जाएगा जब दोनों साइड में प्रेजेंट सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब, इधर साइड में एक ही टर्म प्रेजेंट है, ये क्या है, वेलोसिटी, इसका डायमेंशन, इधर साइड में दो टर्म्स प्रेजेंट हैं तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसका डायमेंशन और साथ में इसका डायमेंशन, सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके ये फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट माना जाएगा। और साथ में ही बच्चों, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि हम एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी को कभी भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इनका डायमेंशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट के साथ हम वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं, या इनको साथ में हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका डायमेंशन क्या होता है, सेम नहीं होता है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन क्या होता है, सेम नहीं होता है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। खाली वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनके डायमेंशंस सेम होते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट को ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अगर इसका मतलब है कि x1 का डायमेंशन जो होगा वही x2 का डायमेंशन होगा। और बच्चों याद रखना, इनके सम का भी डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा। जो x1 का होगा वही x2 का होगा, साथ में x1 प्लस x2 का भी डायमेंशन वही होगा। जो a1 का डायमेंशन होगा वही a2 का डायमेंशन होगा, और साथ में इनके सम का भी वही डायमेंशन होगा बच्चों। ऑलराइट, सो आइए देखते हैं हम कैसे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का कैसे अलग अलग फिजिकल इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, डायमेंशनली चेक करते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो आइए बच्चों, हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल नंबर वन ले लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर वन में हमने लिया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये क्या है, सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, और हमको चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे s क्या है, s इज डिस्प्लेसमेंट, u क्या है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, ए इज एक्सेलरेशन, एंड व्हाट इज टी, टी इज टाइम। सो वी हैव टू चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम दोनों साइड में जितने भी टर्म्स प्रेजेंट हैं उन सारे टर्म्स का क्या करेंगे, इंडिविजुअल डायमेंशन निकालेंगे। अगर सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या हुआ,
सेम हुआ तो ये दिया हुआ इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट माना जाएगा। ऑलराइट, सो हम क्या करते हैं, अलग अलग जितने भी टर्म्स हैं सबका क्या करेंगे, डायमेंशन लेंगे। तो इधर साइड में एक टर्म है और इधर साइड में दो टर्म, एक ये है दूसरा ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले डायमेंशन ऑफ एस लेंगे। तो टेकिंग डायमेंशन ऑफ एस, है ना, तो डायमेंशन ऑफ एस क्या हो जाएगा, एस इज डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा बच्चों एल। बाकी एम का पावर क्या होगा, जीरो होगा, और टी का भी पावर क्या होगा, जीरो होगा। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यू टी का डायमेंशन लेंगे। तो डायमेंशन ऑफ यू टी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ यू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू इंटू डायमेंशन ऑफ टी, एंड ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इधर इट इज इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, सबका यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसमें तो मास होगा नहीं, इसका डायमेंशन हो जाएगा एल टी टू द पावर माइनस वन इंटू टी क्या है, टाइम में, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल टी। बाकी अदर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चों। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम एल का टोटल पावर देखेंगे और टी का टोटल पावर, तो यहाँ पे एल पावर वन है, यहाँ पे एल का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब एल का टोटल पावर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, एंड टी का टोटल पावर क्या होगा, माइनस वन, और यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस वन है, तो टी का टोटल पावर क्या हो जाएगा, जीरो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल पावर वन एंड टी पावर जीरो, यानी कि क्या बचा हमारा, एल बचा, बाकी सब तो जीरो। तो यू टी का भी डायमेंशन क्या आ गया, सेम आ गया। नाउ लेट्स टेक द डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वेयर निकालेंगे। तो सबको क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे, डायमेंशन ऑफ हाफ इंटू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वेयर, एंड दिस इज इक्वल टू वॉट। हाफ क्या है, हाफ तो कॉन्स्टेंट है, इसका डायमेंशन क्या होता है, जीरो होगा, एम का भी पावर जीरो होगा, एल का भी पावर जीरो होगा, टी का भी पावर जीरो, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो यहाँ पे वन लिखेंगे, वन इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉट इज डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए इज एल टी टू द पावर माइनस टू इंटू यहाँ पे क्या है, टाइम का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का पावर टू हो जाएगा, दिस इज वॉट डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, एल का टोटल पावर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एल पावर वन है, यहाँ पे एल पावर जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल पावर वन एंड टी पावर माइनस टू है, टी पावर प्लस टू है, तो टी पावर जीरो हो जाएगा, देयरफॉर इट इज व्हाट, इट इज एल। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितने टर्म्स हैं उनका डायमेंशन और राइट हैंड साइड में जितने टर्म्स हैं उनका डायमेंशन क्या है, सेम है, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट। ऑलराइट, ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। क्या किया हमने, दोनों साइड के जितने भी टर्म्स हैं उनका हमने डायमेंशन लिया और सबका डायमेंशन क्या आया, सेम आया, सबका डायमेंशन एल आया। ओके, इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट माना जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, सपोज फ्रेंड्स हमको ऐसा दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज हाफ एम वी स्क्वेयर। वी हैव टू चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड के टर्म्स का क्या करेंगे, डायमेंशन लेंगे। इधर साइड भी एक टर्म है और इधर साइड भी क्या है, एक ही टर्म है, तो दोनों साइड का डायमेंशन ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन लेंगे दोनों साइड का। इधर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब कोई भी एनर्जी हो, जितनी भी टाइप की एनर्जी होगी, वर्क होगा, इनका सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इसका डायमेंशन क्या होता है फ्रेंड्स, इसका डायमेंशन होता है एम एल टू द पावर टू एंड टी टू द पावर माइनस टू। ये डायमेंशन होता है काइनेटिक एनर्जी का। लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसको डायमेंशन नहीं आता उसको ये समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो डायमेंशन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लेंगे। इधर भी एक ही टर्म है, तो इसका डायमेंशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, हाफ का डायमेंशन, हाफ क्या नंबर है तो इसका कोई तो डायमेंशन होगा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर का डायमेंशन।
चलो इसका भी डायमेंशन निकाल लेते हैं, हाफ का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये मास है तो इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। एंड यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का हमको पता है कि क्या होता है, एल टी पावर माइनस वन होता है, और इस पूरे का होल स्क्वायर कर लेंगे तो हम टोटल पावर निकाल लेते हैं, एम टू द पावर वन। एंड यहाँ पे एल का पावर वन है, स्क्वायर करेंगे तो एल टू द पावर टू, एंड टी का पावर माइनस वन है, उसका स्क्वायर करेंगे तो टी टू द पावर माइनस टू। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट। ऑलराइट, अब फ्रेंड्स तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है, तीसरा एग्जांपल है कुछ ऐसा दिया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैपिटल एफ इज इक्वल टू कुछ ऐसा दिया है, एम वी बाई आर स्क्वेयर। वी हैव टू चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो अभी तक हमने ये देखा था फ्रेंड कि ये दो इक्वेशन जो भी हमने लिए थे उसका डायमेंशन दोनों साइड में इक्वल आया था, इसलिए वो दोनों करेक्ट था। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल आता है या नहीं आता, अगर इक्वल नहीं आएगा तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। तो आइए देख लेते हैं डायमेंशन, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लेंगे तो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ एफ, एफ क्या है, फोर्स है फ्रेंड्स। अच्छा, एम मास है, वी वेलोसिटी है, और आर क्या है, रेडियस है। ये याद रखना है आपको, एम क्या है, एम इज मास, वी इज वेलोसिटी, एंड आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो एफ का डायमेंशन क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज एम एल टी टू द पावर माइनस टू। नाउ लेट्स टेक द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है फ्रेंड्स, इट इज एम वी स्क्वेयर बाई आर। तो इसको अलग अलग कर लेंगे, डायमेंशन ऑफ एम इन टू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ, सॉरी इट इज वी, एंड नीचे क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वेयर। ऑलराइट, अब सबका हम क्या करेंगे, डायमेंशन लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम मास है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा, बाकी अदर्स का पावर जीरो होगा। वी क्या है, वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा फ्रेंड्स एल टी टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय आर क्या है, रेडियस है, रेडियस का क्या होता है, डायमेंशन एल होता है, कैपिटल एल। आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इट इज एल स्क्वायर। तो इसका मतलब टोटल डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम, और L का पावर क्या है, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, एंड T टू द पावर माइनस 1। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ द टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द टर्म ऑन राइट हैंड साइड। इसलिए ये जो दिया हुआ इक्वेशन है, दिस इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, या डायमेंशनली इसको इनकरेक्ट भी लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डायमेंशनली इनकरेक्ट। दिस इज वॉट डायमेंशनली इनकरेक्ट। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर तो आप जानते ही हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है इसका F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, ये करेक्ट आंसर है। जबकि हमने क्या किया था, नीचे आर स्क्वायर ले लिया था, स्क्वायर किसका होगा, वी का होगा। अगर वी का स्क्वायर होता तो ये डायमेंशनली करेक्ट माना जाता। ऑलराइट, इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ एल बाई जी, ये फॉर्मूला दिया है, जहां पे एल क्या है, लेंथ है, लेंथ ऑफ पेंडुलम। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वी हैव टू चेक whether दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लेंगे, तो डायमेंशन ऑफ कैपिटल टी इज इट्सेल्फ कैपिटल टी, है ना। टी क्या है, टाइम पीरियड है, तो इसका डायमेंशन वही होगा, टाइम पीरियड टाइम
एक ही टर्म होता है, इसका यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अब हम इधर साइड का डायमेंशन निकाल लेते हैं, लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या है, 2π रूट ऑफ एल बाई जी, इसका डायमेंशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ 2π इंटू, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, डायमेंशन ऑफ एल है और एल का रूट है तो मतलब पावर हाफ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में क्या है, जी है तो हम, बट जी का भी पावर क्या है, हाफ है तो हम लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी टू द पावर हाफ और इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, 2π कांस्टेंट है इसका कोई भी, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका 1 हो जाएगा। एंड एल क्या है, लेंथ है, तो यहाँ पे लेंथ का क्या होता है, एल होता है बट पावर हाफ है तो यहाँ पे एल टू द पावर हाफ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कोई भी एक्सेलरेशन हो, ग्रेविटी की वजह से या किसी वजह से हो, सबका यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, जी का डायमेंशन क्या होगा, इट इज़ एल टी टू द पावर माइनस 2, ये तो जी का डायमेंशन हो गया, एंड पूरे का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज वॉट, एल टू द पावर हाफ, और नीचे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नीचे ये पावर हाफ इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल टू द पावर हाफ इंटू टी, माइनस 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, टी टू द पावर माइनस 1, तो ये एल पावर हाफ कैंसिल हो जाएगा, एल का पावर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो फ्रेंड्स क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एल टू द पावर 0 और ये टी टू द पावर माइनस 1 को ऊपर लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि टी का जो डायमेंशन था वही 2π रूट ऑफ एल बाई जी का भी डायमेंशन है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये जो दिया हुआ इक्वेशन है ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप भी सॉल्व करिए और साथ में ये बताइए मुझे डिस्क्रिप्शन में कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को और आप मुझे बताना कि इसका क्या रिजल्ट होगा, यानी डायमेंशनली करेक्ट होगा या नहीं। तो एक क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ vibrating string is given by new is equal to new क्या है, frequency है, new is equal to 1/2L root of T by M। Check whether this equation is dimensionally correct or not. Okay, ये चेक करके बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पे बता देता हूँ, एल क्या है, एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टी क्या है, टी इज टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन है, टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड एम क्या है, स्मॉल एम इज कॉल्ड एज लीनियर डेंसिटी या इसी को हम मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। तो आप इसका आंसर आप मुझे बताना डिस्क्रिप्शन लिंक में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ओके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स अभी हमने क्या किया था, हमको एक फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ था और हमें ये चेक करना था कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। बट फ्रेंड्स अब हमको कुछ इक्वेशन दिया रहेगा जो डायमेंशनली करेक्ट होगा, बट उसमें कुछ ऐसे अननोन टर्म्स दिए होंगे जिसका हमको डायमेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स तो आइए ऐसे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक नीट में भी आता है, जेई में भी आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल
is given by a relation v equals to x plus y t square plus z upon w plus t. ऐसा करके हमको एक इक्वेशन दिया है, v इज इक्वल टू x प्लस वाई टी स्क्वेयर प्लस जेड अपॉन डब्ल्यू प्लस टी, वेयर टी इज टाइम, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ x, y, z एंड w, ऐसा बोला गया हमको x, y, z एंड w का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया ये इक्वेशन दिया गया ऑलरेडी कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो हमको क्या करना है इसमें जितने भी अननोन टर्म्स हैं इनका क्या करना है डायमेंशन फाइंड आउट करना है, वेयर x, y, z आर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसमें दोनों साइड में जितने भी टर्म्स होंगे, इधर साइड में एक टर्म है, इधर साइड में कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3, तो ये तीनों टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसका मतलब इसका भी डायमेंशन इसके बराबर होगा, इस पूरे टर्म्स का भी डायमेंशन इसके बराबर होगा, और इस टर्म्स का भी डायमेंशन, इस पूरे टर्म का भी डायमेंशन इसके ही बराबर होगा। तो आइए हम क्या करते हैं डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डायमेंशन ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखेंगे यहाँ पे एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, एंड डायमेंशन ऑफ वी क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज एल टी टू द पावर माइनस वन, हमको मिल गया पहला एक्स का डायमेंशन। अब फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे वाई का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे दूसरा टर्म क्या है, वाई टी स्क्वायर है, पूरा का पूरा ये एक टर्म माना जाएगा, तो वाई टी स्क्वायर का भी डायमेंशन किसके बराबर होगा, वी के बराबर होगा। तो इधर क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू वी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी टू द पावर माइनस वन। देयरफोर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाई टी स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स, डायमेंशन ऑफ वाई इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, डायमेंशन एल टी टू द पावर माइनस वन। देयरफोर वी कैन राइट हियर डायमेंशन ऑफ वाई इंटू फ्रेंड्स डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, टी का डायमेंशन कैपिटल टी होता है, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, एल टी टू द पावर माइनस वन। देयरफोर वाई का डायमेंशन चाहिए तो इसको ले जाके इधर डिवाइड कर देंगे, डायमेंशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एल टी टू द पावर माइनस वन होल डिवाइडेड बाय टी टू द पावर माइनस वन होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो टी को ऊपर ले जाएंगे पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, सो फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज एल टी टू द पावर माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस वन था, ये टू ऊपर ले जाएंगे माइनस टू हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा। दिस इज वॉट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वाई, वाई का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी टू द पावर माइनस थ्री। फ्रेंड्स आइए हम बाकी का डायमेंशन निकाल लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, बचा हुआ क्या है, बचा हुआ हमारे पास है हमको डायमेंशन ऑफ जेड निकालना और डब्ल्यू निकालना है। तो एक चीज़ और याद रखना फ्रेंड्स, डब्ल्यू में टी को ऐड किया गया है तो ये एडिशन तभी पॉसिबल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से ये एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, पहले इसका हम डायमेंशन निकाल लेते हैं, एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टाइम, दैट इज कैपिटल टी। अगर W का डायमेंशन T के बराबर है तो W प्लस T का भी डायमेंशन क्या होगा फ्रेंड्स, सेम ही होगा। देयरफोर डायमेंशन ऑफ W प्लस T विल ऑल्सो बी सेम, एंड इट इज़ वॉट, इट इज़ कैपिटल T। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम इसके डायमेंशन को इसके बराबर कर देंगे तो Z का डायमेंशन मिलेगा। देयरफोर डायमेंशन ऑफ Z अपॉन W प्लस T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आपको पता है, इट इज़ L टी टू द पावर माइनस वन।
हमको चाहिए किसका डायमेंशन, z का डायमेंशन चाहिए, तो क्या लिख लेंगे, देयरफोर डायमेंशन ऑफ z डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ w प्लस t एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू एल टी टू द पावर माइनस वन। देयरफोर डायमेंशन ऑफ z इज इक्वल टू, फ्रेंड्स ये इधर आके क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या होता है हमको पता है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी टू द पावर माइनस वन। और फ्रेंड्स इसका डायमेंशन अभी निकाला हुआ है हमने, इट इज़ कैपिटल T, तो वो इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज़ कैपिटल T। फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस वन है T का पावर, यहाँ पे प्लस वन है, तो T का टोटल पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, खाली L। तो इसका मतलब Z किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज़ वॉट, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं। पावर डिलीवर्ड बाय ए फोर्स इज गिवन बाय ए रिलेशन P equals to A upon B into E to the power minus BT, okay, where T is time, क्या करना है हमको, A और B का dimension find out करना है, find the dimensions of A and B, alright। चलिए फ्रेंड्स आंसर देख लेते हैं इसका। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, पिछले वाले लेक्चर में, कि एक्सपोनेंशियल टर्म का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, और उसके आर्ग्यूमेंट का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी इस पूरे का कोई डायमेंशन नहीं होगा और इसके जो पावर्स हैं उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, माइनस साइन से कोई मतलब नहीं हमारा, तो इसका मतलब बी टी का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, द डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू वन, कोई डायमेंशन नहीं होता, एम टू द पावर जीरो, L टू द पावर जीरो, T टू द पावर जीरो, जिसको हम वन भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफोर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ B इनटू T क्या है, टाइम है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इट इज़ कैपिटल T एंड दिस इज इक्वल टू वन। सो फ्रेंड्स डायमेंशन ऑफ B इज वॉट, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू वन बाई कैपिटल T, एंड इसको न्यूमरेटर में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, T टू द पावर माइनस वन। फ्रेंड्स ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ T टू द पावर माइनस वन। अब B का डायमेंशन मिल गया फ्रेंड्स, तो हम A का भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसका कोई डायमेंशन तो नहीं होता है, तो इसका मतलब A बाई B का डायमेंशन किसके बराबर होगा, पावर के बराबर होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो हमको क्या करना है, A और B का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो ये पूरा एक टर्म माना जाएगा फ्रेंड्स, इस पूरे टर्म में इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन होगा और इसका डायमेंशन इधर के टर्म के बराबर होना चाहिए अगर ये इक्वेशन करेक्ट है। तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी, पी इज वॉट, पावर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ बी, फ्रेंड्स हमको पता है अभी निकाला था, इट इज टी टू द पावर माइनस वन, एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, डायमेंशन ऑफ पी, पी क्या है फ्रेंड्स, पावर है, और पावर का डायमेंशन क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज एम, और क्या होता है फ्रेंड्स, एल टू द पावर टू एंड टी टू द पावर माइनस थ्री। तो हमको ए का निकालना है, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, देयरफोर डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू एम L टू द पावर टू T टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई T टू द पावर माइनस वन।
ओके। सो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू हम एम एल, और टी का क्या करेंगे फ्रेंड्स, पूरा का पूरा पावर लिख लेंगे। तो एम का पावर क्या हो जाएगा, एम टू द पावर वन, एल का पावर क्या है फ्रेंड्स, टू है, तो ये हो जाएगा एल टू द पावर टू, एंड व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ टी, इट इज माइनस थ्री एंड माइनस वन, दैट इज माइनस फोर। सो दिस इज व्हाट डायमेंशन ऑफ ए, ए का डायमेंशन क्या हो गया फ्रेंड्स, इट इज एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस फोर, एंड बी का डायमेंशन क्या आया था, बी का डायमेंशन टी टू द पावर माइनस वन है। ओके फ्रेंड्स, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन वैन डर वाल इक्वेशन, वैन डर वाल इक्वेशन पी प्लस ए बाई वी स्क्वेयर इन सेकेंड ब्रैकेट वी माइनस बी, पी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वेलोसिटी, कैपिटल वी इज वॉल्यूम, आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, एंड कैपिटल टी इज टाइम। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। आइए फ्रेंड्स इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो यहां पे देख सकते हो फ्रेंड्स, पी में ये पूरा टर्म ऐड हुआ है, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वेयर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी, पी इज वॉट, पी इज प्रेशर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ वी स्क्वेयर। तो फ्रेंड्स वी स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ वी द होल स्क्वेयर, ऐसा लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज वॉट फ्रेंड्स, इसका डायमेंशन होता है एम एल पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी का डायमेंशन क्या होगा फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पहले वी का हम डायमेंशन लिख लेते हैं, यहाँ पे वी है, वी स्क्वायर है, तो हम पहले वी का डायमेंशन लिख लेते हैं, एल टी टू द पावर माइनस वन, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, एल टू द पावर टू टी टू द पावर माइनस टू, एंड दिस इज इक्वल टू एम एल पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। देयरफॉर हमको क्या चाहिए, ए का डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू वॉट, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू इन टू सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इट इज एल स्क्वेयर टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, टोटल पावर लिख लेते हैं एम का, एल का और टी का। तो एम का तो यहाँ पे एक ही पावर है, इधर जीरो है, तो यहाँ हो जाएगा एम पावर वन, एल का टोटल पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे प्लस टू है, तो माइनस वन प्लस टू इज प्लस वन, एंड टी का टोटल पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस फोर। सो दिस इज वॉट डायमेंशन ऑफ ए, ये हो गया फ्रेंड्स डायमेंशन ऑफ ए। अब हमको क्या करना है, डायमेंशन ऑफ बी निकालना है फ्रेंड्स, सॉरी ये स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है, यहाँ पे स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है, वी माइनस बी है, तो आपको कैसे, आपको बताया था कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब उनका डायमेंशन क्या हो, सेम हो। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया, इसका मतलब बी का डायमेंशन वी के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम कैपिटल वी, यानी क्या हो जाएगा, वी का डायमेंशन क्या होता है, एल टू द पावर थ्री, बाकी अदर का पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा ए, सॉरी बी हो गया, एंड ये ए का डायमेंशन, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स।
तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद द डिस्टेंस एक्स एज कैपिटल यू इक्वल्स टू ए रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। चलिए फ्रेंड्स इसका भी देख लेते हैं आंसर। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे, तो ये देख सकते हैं एक्स स्क्वायर में बी ऐड किया हुआ है, तो इसका मतलब बी का डायमेंशन एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। एक्स क्या डिस्टेंस है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको पहले ये लिखना है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स इज वॉट डिस्टेंस, तो यानी इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, बाकी अदर का पावर जीरो हो जाएगा। फ्रेंड्स आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो एम टू द पावर जीरो एल स्क्वायर टी टू द पावर जीरो, ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी एम का डायमेंशन जीरो होगा, टी का भी डायमेंशन जीरो होगा और एल का डायमेंशन दो होगा। अब फ्रेंड्स अब हमको क्या करना है, एक्स का डायमेंशन निकालना है, तो इस पूरे का डायमेंशन क्या करना पड़ेगा, यू के बराबर करना पड़ेगा, बिकॉज इधर साइड भी एक टर्म है इधर साइड भी एक टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बी का डायमेंशन एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन तो आपको पता ही है क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। ओके सो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए, ओके ये एक्स का डिस्टेंस है बट उसका रूट है, तो क्या हो जाएगा एक्स का डायमेंशन एल होता है बट रूट एक्स का क्या हो जाएगा एल टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई। फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर और बी का डायमेंशन सेम है तो उनके सम का भी डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है क्या है एल स्क्वायर है, एंड ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। सो लेट्स फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए का डायमेंशन हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, ये नीचे है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा एल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई एल टू द पावर हाफ, कहाँ पे आ जाएगा नीचे आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स टोटल पावर निकाल लेते हैं एम का एल का और टी का। सो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा एम एल टू द पावर, यहाँ पे पावर टू है, यहाँ पे पावर टू है, नीचे पावर हाफ है जो कि माइनस हो जाएगा, तो टोटल पावर क्या हो जाएगा थ्री एंड हाफ हो जाएगा। फ्रेंड्स कितना पावर है, यहाँ पे टू पावर है, यहाँ पे क्या है टू पावर है, यहाँ पे हाफ पावर है, तो टोटल पावर एल का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इट इज थ्री एंड हाफ, और थ्री एंड हाफ को सेवन बाई टू लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल टू द पावर सेवन बाई टू एंड टी का टोटल पावर क्या होगा माइनस टू हो जाएगा। सो दिस इज वॉट, दिस इज डायमेंशन ऑफ ए, तो ए का डायमेंशन क्या हो गया फ्रेंड्स एम एल टू द पावर सेवन बाई टू एंड टी टू द पावर माइनस टू हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, एंड आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।